अब साहब हालात ये है कि घर का घर जल जाए उजर गया, कोई पुरसाने हाल नहीं, वहां के लोग कहे कि साहब आप बड़ी मेहरबानी की आप कम से कम बिहार से तशरीफ ले आए, डेढ़ सौ बच्चे जेल में हैं, घर में सिर्फ औरतें हैं, दो चार दस लोग जब खाना खत्म होता है तो वहां से दो चार किलोमीटर दूर आते हैं और जमात मजाए मुस्तफा के लोग वहां पे ले जाकर के खाना और साहब राशन तकसीम करते हैं तो लेकर जाते हैं। वहां पे मुझे उस दिन पता चला कि कितने लोग वहां पे सेल्फी लेने वाले पहुंचते हैं और कितने लोग बांटने वाले। अगर इनकी खानकाह में किसी को इज्जत न मिले तो वो ज्यादा पसंद नहीं करता, साहब अगर किसी बच्चे को उसके घर में इज्जत न मिले तो वो रहना पसंद नहीं करता, अगर किसी शख्स को रिश्तेदारी में इज्जत न मिले तो साहब वो भी रिश्तेदारी में जाना पसंद नहीं करता। अगर सवाल ये उठता है आखिर इज्जत मिलेगी कैसे, समाज में इज्जत सबको चाहिए, इज्जत सिर्फ एक राह है, समाज में इज्जत सबकी है, मगर कुरान कहता है समाज में इज्जत चाहते हो, समाज में वकार चाहते हो, समाज में चाहते हो कि लोग तेरा रिस्पेक्ट करें, तेरी इज्जत करें, तो रब फरमाता है उतुल इल्म दर्जा, इल्म हासिल करो खुदा तेरे रुतबे को बढ़ा देगा, तालीम याफ्ता बन जाओ अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा, तुम एजुकेटेड बन जाओ, पढ़े लिखे समाज का इंसान बन जाओ, अल्लाह ताला तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। यही वजह है समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, आलिम अपने इल्म के मुताबिक, हाफिज अपने इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि समाज में इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर की इज्जत नहीं है, वो भी अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाते हैं। इसलिए याद रखिएगा अगर कोई इंसान मैट्रिक पास है तो बीए के बराबर इज्जत नहीं मिल सकती, कोई इंसान बीए पास है तो एमए वाले के बराबर से इज्जत नहीं मिल सकती। अल्लाह ने सबके रुतबे को बढ़ाया है, मगर आइए जरा सा इसका दायरा देखते हैं। डॉक्टर अपने महकमे में इज्जत पाता है, इंजीनियर अपने महकमे में इज्जत पाता है, प्रोफेसर अपनी यूनिवर्सिटी में इज्जत पाता है, मगर वाहरे हाफिज़े कुरान आपने ऐसा नहीं देखा होगा डॉक्टर इंजीनियर के पीछे खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे खड़ा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे खड़े हो, डॉक्टर अस्पताल में साहब आला है, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में आला है, साइंटिस्ट अपने काम पर आला है, इंजीनियर अपनी फैक्ट्री और कंपनी में आला है, मगर जब एक बच्चा अपने सीने में कुरान समेट कर अपनी पस्ती में हाफिज़े कुरान पढ़कर जब पहुंचता है तो क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या मुखिया, सारा जमाना नमाज में उसके पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। अब साहब बच्चा तो हाफिज़े कुरान है, मैं डॉक्टर उसके पीछे खड़ा है, इंजीनियर उसके पीछे खड़ा है, प्रोफेसर उसके पीछे खड़ा है, गांव का प्रधान उसके पीछे खड़ा है। अब लोग कहते हैं अरे बड़े गरीब घर का लड़का था, मतलब बड़ा मुबारक हो आपका बेटा तो हाफिज़े कुरान बन गया। पूरी बस्ती वाले इस बात पे फूले नहीं समाते हैं कि चलो आज हमारी बस्ती में एक बच्चा हाफिज़े कुरान बना है, आज हमने जुमा की नमाज उसके पीछे पढ़ी है, इस साल रमजान में तरावी की नमाज हमने उसके पीछे पढ़ी है। साहब ने कहा अरे साहब आप डॉक्टर साहब हैं, आपने दुनिया की बड़ी बड़ी किताबों का मुताला किया है, मगर क्या बात है मदरसे से पढ़कर आने वाला एक बच्चा जो मामूली जिंदगी गुजारता है, लिबास मामूली है, टोपी मामूली है, कुर्ता पैजामा मामूली है, कोई उसके पास उसके पास आपकी तरह धन दौलत बड़ी डिग्री नहीं है, मगर क्या बात है आप साहब हमेशा उससे दुआएं लेते रहते हैं, आप कहते हो हाफिज साहब दुआ कर दीजिए, हाफिज साहब जरा कुरान पढ़ दीजिए, हाफिज साहब जरा एक मसला बता दीजिए, हाफिज साहब जरा ये तरीका बता दीजिए। डॉक्टर ने कहा आपके समझ में बात नहीं आएगी, मैं जानना चाहता हूँ आप इतने बड़े डॉक्टर हो मदरसे से फारिग होने वाले एक हाफिज़े कुरान के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं, आखिर राज क्या है? कहा अरे साहब आपको नहीं पता है, मैं डॉक्टर बना हूँ, लोग इंजीनियर बने हैं, लोग साइंटिस्ट बने हैं, मगर हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने हैं।
उस डॉक्टर ने जवाब दिया, मीडिया वालों उससे पूछते हो कि कुरान का रुतबा क्यों बड़ा है, सुनो मैं दुनिया की किताबों को पढ़कर डॉक्टर बना हूं, अल्लाह की किताब कुरान को पढ़कर हाफिज़े कुरान बना है, कुरान को पढ़कर अदीबे दीन बना है, इसलिए दुनिया में कोई किताब कुरान पढ़ने वालों के बराबर नहीं है। अल्लाह ने कुरान पढ़ने वालों के रुतबे को बढ़ा दिया। अब साहब याद रखें, चूंकि सब बैठे हैं, एक है इल्म और एक है अमल, है ना, याद रखिए। इस्लाम में इल्म की कितनी अहमियत है बेटा, ए बाबू बैठे इत्मीनान से, बच्चे बैठे, इल्म है क्या? इस्लाम है जिसमें नमाज, बच्चा बालिग होगा तो नमाज पढ़ेगा, बच्ची जवान होगी तो नमाज पढ़ेगी, बगैर बालिग हुए नमाज फर्ज नहीं है। मगर बात जब तालीम की आई तो जिस मजहब ने सबसे पहले तालीम को कंपलसरी करार दिया उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमात, इल्म हासिल करना जैसे मर्दों पर फर्ज है वैसे ही औरतों पे भी फर्ज है। इस इल्म से मुराद क्या है पहले ये भी जानना, उसे जानना बहुत जरूरी है। अब साहब इस्लाम कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उत्लुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहल, बच्चा बालिग होगा तो नमाज पढ़ेगा, बच्चा बालिग होगा तो रोजा रखेगा, बच्ची जवान होगी तो नमाज पढ़ेगी। मगर बात जब तालीम की आई तो आमिना के लाल ने कहा इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। वाह, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। अब सवाल ये उठता है, याद रखे, मैट्रिक पास करना ये भी इल्म है, डॉक्टर बन जाना ये भी इल्म है, प्रोफेसर बन जाना ये भी इल्म है, मगर याद रखे ये डिग्रियां इंसान को अच्छा नहीं बनाती बल्कि उसका अमल इंसान को अच्छा बना देता है। यही वजह है कुरान ने कहा कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया जिसने इल्म हासिल करने के बाद अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया, गुनाहों से साफ कर लिया। जो इल्म हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, याद रखे इतना इल्म हर मुसलमान के पास हो वो जाने हलाल क्या है हराम क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, नमाज का तरीका क्या है, रोजा का तरीका क्या है, साहब उसे ये पता हो उसूल का सलीका क्या है, वजू का तरीका क्या है, अमीर हो तो ज़कात का मसला, अमीर हो तो हज के मसाइल, ये सारी चीजें फर्ज है। मगर बात जब आती है आलिम दीन बनने की, बात जब आती है हाफिज़े कुरान बनने की, तो आलिम बनना फर्ज़े किफ़ाया है, हाफिज बनना फर्ज़े किफ़ाया है, इसे याद रखेंगे। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, समाज में जिस चीज की जरूरत हो इंसान वैसा बने, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ डॉक्टर हो शराबी बन जाए, लोग कहते हैं डॉक्टर है मगर किरदार अच्छा नहीं है, इंजीनियर हो जुआरी बन जाए, लोग कहते हैं इल्म वाला है मगर किरदार अच्छा नहीं है, आलिम हो पर अमल नहीं हो, लोग कहते हैं आलिम है मगर इसका अमल बेहतर नहीं है। अल्लाह 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 के नबी फरमाते हैं हाफिज़े कुरान भी हो और बाअमल भी हो, कुरान पे अमल करने वाला भी हो, जब मैदान महशर कायम होगा तो उसके वालिदैन के सरों पे नूरानी ताज सजा दिया जाएगा, और एक हाफिज़े कुरान 10 अफराद को जन्नत के फिरदौस में लेकर के जाएगा। शर्त ये है हाफिज भी हो अमल करने वाला भी हो, इसलिए मैं आपसे कहूंगा वो डिग्रियां बेकार है जिन डिग्रियों पे हमारा अमल नहीं हो, डॉक्टर हो पर जिंदगी को पाकीज़ा बनाओ, इल्म वाले हो प्रोफेसर हो जिंदगी को गुनाहों से साफ सुथरा बनाओ, आलिम दीन हो जिंदगी को पाअमल बना लो, हाफिज़े कुरान हो जिंदगी को पाअमल बना लो। जिस दिन हम हाफिज़े कुरान भी रहे और पाअमल मस्जिद में कदम रखोगे, मस्जिद के भी इमाम बनोगे, समाज में कदम रखोगे।
रखोगे समाज के भी इमाम बन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आज लोग कहते हैं मौलाना साहब, मौलाना लोगों ने क्या किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है साहब, मौलाना साहब लोगों ने कोई काम नहीं किया है, मौलवी कर ही क्या सकता है? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन मौलवियों को चंदा जमा करने से फुर्सत नहीं है, इन मौलवियों को दरवाजे दरवाजे घूमने से फुर्सत नहीं है। सुल्तान साहब पूछना चाहता है, मौलाना जियाउद्दीन साहब किबला की मेहनतों को आप देखिए, अल्लामा निसार साहब की मेहनतों को देखिए, इन उलमाए किराम की मेहनतों को देखिए। आप कहते हो ना इन आलिमों ने क्या किया है, मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए साहब आलिमों ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर साहब ने क्या किया है, इंजीनियर साहब ने क्या किया है, प्रोफेसर साहब ने क्या किया है? दुनिया में कोई डॉक्टर लाइए जिसने कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया हो, कोई प्रोफेसर लाइए जिसने कौम के बच्चों को प्रोफेसर बनाने के लिए फ्री में किसी एजुकेशन पॉइंट कायम किया हो, आप कोई आईपीएस अफसर अपनी कौम का लाइए जिसने कौम के बच्चों को आईपीएस अफसर बनाने के लिए फ्री में एजुकेशन पॉइंट कायम किया हो। नहीं साहब, अगर पैसा न मिले ना तो एक दिन आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं रह पाएगा। लेकिन सुल्तान नजर करना चाहेगा, ठीक है मौलवियों ने कुछ नहीं किया, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब है ये उलमा का, अब जिन्होंने आपसे चंदा मांगकर भीख मांगकर कुछ नहीं किया, मगर फ्री में आज कौम के सात बच्चों को जियाउद्दीन साहब और उनकी टीम ने और मदरसे वालों ने फ्री में हाफिज़े कुरान की बना दिया कार्य किसी लाभ। मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, आज मुल्क में जिसकी जरूरत है, खूब गौर से मेरी बात सुनिएगा, मुल्क में जिसकी जरूरत है, आज मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, मैं तो अपने उलमा से भी कहूंगा, आप भीख मांग कर जैसे मदरसा बना सकते हैं, हाफिज़े कुरान बना सकते हैं, आलिम दीन बना सकते हैं, तो अब भीख मांग कर ही सही कौम के कुछ बच्चों के लिए, इस कौम की हिफाजत के लिए कुछ आईपीएस अफसरान की भी जरूरत है, अच्छे वकला की भी जरूरत है, एक समाज को जिंदा रखने के लिए किसकी जरूरत है? आप समझते हो अच्छी बिल्डिंग बन गई, हमारा समाज हो गया, तुम्हारी बिल्डिंग की हिफाजत कौन करेगा? तुम समझते हो हमारी कौम की बहु बेटियां जिनके लिए तुमने बिल्डिंगे बनाई घरों में है, इनकी इज्जत तो आप की हिफाजत कौन करेगा? मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद रखिएगा, अच्छे समाज के लिए अच्छे इल्म वालों की टोली की जरूरत है, उस टोली में एक बेहतरीन आलिम हो जो लोगों को हलाल भी बताए हराम भी बताए, एक बेहतरीन हाफिज हो जो लोगों को कुरान पढ़ना सिखाए खुद नमाज पढ़ाए, एक बेहतरीन मुफ्ती हो जो कौम की इस्लाह करे, बेहतरीन डॉक्टर हो जो मरीजों का इलाज करे, बेहतरीन प्रोफेसर मास्टर हो जो बच्चों को बुनियादी तालीम से ऊंची शिक्षा तक जोड़े, वैसे ही इस गांव के लिए अच्छे वकील की जरूरत है जो हमारे बच्चों के केसेस को लड़े, हमारी सही मुल्क की सही साहब मुल्क के आईन की रहनुमाई करता हुआ नजर आए, ऐसे ही हमारे इस समाज में हमारी रहबरी के लिए साहब अच्छे अफसरान की जरूरत है। आज बड़ा अफसोस होता है, आज हमारे यहाँ लोगों ने ये मामला सीख लिया, मैट्रिक पास करो, पासपोर्ट बनाओ, वीजा लगाओ, सऊदी चले जाओ, यार 10 लाख 20 लाख कमा करके रख दोगे, इसकी हिफाजत कौन करेगा? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, सऊदी और अरब जाने का ख्वाब छोड़ो, कभी सरकार गौसे आजम की जिंदगी तो पढ़कर, कभी सरकार बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी पढ़कर के देखो, और से मेरी बात सुनिएगा 10 मिनट, सरकार गौसे आजम है 18 साल की उम्र में पढ़ने के लिए जाते हैं, ज्यादा सफर खत्म हो जाता है, वही भूखे रहते हैं, जब भूख की शिद्दत तरपाती है तो मस्जिद में जमीन पर लेट जाते हैं और पढ़ते हैं, इन्ना माल उसरे युसरा, इन्ना माल उसरे युसरा, सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, एक दिन ऐसा हुआ भूख की शिद्दत काफी थी और मैं बयाबान में बैठ कर अपने सबक को याद कर रहा था, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो, कुव्वत ए
तायुत के लिए यानी इतनी ताकत के लिए कि मौत वाके ना हो जाकर के कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर आवाज देते हैं मालिक को मौला अब्दुल कादिर के पास तो एक अच्छा चुप्पा तक नहीं है। अब्दुल कादिर कर्ज लेगा तो अदा कहां से करेगा? रब फरमाता है अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम है अदा कर देना मेरा काम है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर तालिबे-ए-इल्मी का जमाना है नानबाई की दुकान पर जाते हैं कहते हैं सुनो मुझे कर्ज दोगे? नानबाई की आंखों में आंसू आ गए वो भी अल्लाह वाला का पहचान गया कहा हुजूर मैं भी आपका ये दुकान भी आपकी आप जो चाहे दे दे कहा नहीं जो चाहूंगा नहीं लूंगा कर्ज लूंगा मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा कि अगर मैं जिंदा रहा और कुछ मैसर आया तो कर्ज अदा कर दूंगा अगर मौत आ गई तो मुझे माफ कर देना मुझे माफ कर देना। उसने कहा हुजूर मंजूर है। कहा तो फिर इस शर्त पर मुझे डेढ़ रोटियां रोजाना देना। कितनी रोटियां? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलने कितनी रोटियां? डेढ़ रोटियां। आप अपने बेटों को भी बताएं बेटियों को भी बताएं ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आप पीर साहब के उर्स में जाते हैं ना मैं पीरों के पीर की बात कर रहा हूँ औलिया की बात कर रहा हूँ बड़े पीर दस्तगीर की बात कर रहा हूँ। डेढ़ रोटी कर्ज आधी रोटी सुबह आधी रोटी दोपहर आधी रोटी रात चुप है। आज हमारी कौम के नौजवानों पर आपका बाप कोटा पढ़ने के लिए भेजता है दिल्ली पढ़ने के लिए भेजता है कलकत्ता की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तेरा बाप दाखिला कराता है जमीन जायदाद बेचकर तुझे इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनाना चाहता है। अगर बाप की जिंदगी में थोड़ी सी गरीबी आ गई या थोड़ा पैसा कम पड़ गया तो तुम तालीम छोड़कर भाग आते हो। इसलिए गौसे आजम का लंगर खाने वालों गौसे आजम की जिंदगी में पढ़ लिया करो। गरीबी तालीम की राह में रुकावट नहीं है। आज सरकारी महकमे में बहुत इंतजाम है शर्त यह है बेहतरीन दिमाग लगाकर पढ़ने की कौम के बच्चों को बनने की अपना दिमागी तवाज़ुन बरकरार रखते हुए दिन रात मेहनत और लगन से पढ़ने की। ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो आज बड़ा वीआईपी इंतजाम है यूनिवर्सिटियां भी अच्छी है असातिज़ा भी अच्छे हैं खाने पीने का इंतजाम भी अच्छा है फिर भी समाज में अच्छे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर नजर नहीं आ रहे हैं समाज में अच्छे आलिमों का फकदान होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए सुल्तान नजर कहना चाहेगा ऐ मेरी कौम के याद रखना आसमान से नबी का साथी जो जमीन पे बनकर आया तो कोई इंसान नहीं कुरान बनकर आया है। इसलिए तुम भी अपनी जिंदगी का साथी इस मोबाइल फोन को ना बनाओ एक किताब को बना लो। मालूम है इतना पढ़ो इतना पढ़ो जब किसी रेस में निकल जाओ जमाना पीछे हो तो आगे आगे नजर आओ। जब कोई साहब जब कोई टेस्ट हो इतना तुम्हारा रिजल्ट आए एक अखबार का एक पन्ना तेरे नाम से भर जाए ताकि जमाना देख कर समझ जाए ये लोग सिर्फ लंगर खाने वाले नहीं बल्कि ये गौसे आजम की सुन्नत में चलने वाले हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना जिस सरदार गौसे आजम ने डेढ़ रोटियां कर्ज ली थी वो पढ़ कर बने तो सिर्फ आलिम नहीं आलिमों के इमाम बने हैं मुफस्सिर नहीं इमामुल मुफस्सिरीन बने हैं मुहद्दिस नहीं इमामुल मुहद्दिसीन बने हैं वलियों के सुल्तान बने हैं ऐलान किया है मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर बरेली से शहजादे आला हजरत पुकार उठे खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें जहां चाहो रखो कदम। जब गौसे आजम देह रोटियां कर्ज लेकर वलियों के वली बन सकते हैं तो आप हाफी कर अच्छा हाफिज़े कुरान क्यों नहीं बन सकते हैं? अच्छे आलिम दीन क्यों नहीं बन सकते हैं? समाज के अच्छे आईपीएस अफसर क्यों नहीं बन सकते हैं? आप अपने जिंदगी को याद रखिए कामयाब बनाइए टारगेट के मुताबिक जिंदगी गुजारिए मोबाइल को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप एक मोबाइल में चाहे तो 1000 पढ़ने वाली किताबें डाउनलोड कर सकते हैं मगर आज नौजवानों को
मोबाइल पे गेम खेलने से फुर्सत नहीं है साहब, हम इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी चलाने से फुर्सत नहीं है। याद रखना कौम की बेटियों और बेटों, तालीम का मकसद ये नहीं है कि इंसान पढ़ लिख करके आवारगी का शिकार हो जाए। जैसे आज हमारी कौम पढ़ी लिखी बेटियों ने सोच लिया है कि तालीम का मकसद अब हम पढ़ लिख लिए और थोड़ा सा ऊंचा हो गए, सर से दुपट्टा उतर गया, नौजवान थोड़ा बड़ा हुआ, कान में बाली पहन लिया, कमर तक बाल लटका लिया, साहब बुलेट से चलने लगा, खड़े खड़े पेप्सी कोको कोला पीने लगा। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो ये है कि जब पढ़ कर बनो ना तो जमाना ये गवाही दे कि जब ये कौम पढ़ कर पर आती है तो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ती हुई नजर आती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप अपने नेताओं से सड़क मत मांगिए, एक हजार दो हजार लेकर के वोट मत दीजिए, आप उससे कहिए हमारे बच्चों की तालीम के लिए बेहतरीन एजुकेशन पॉइंट। आपके यही मदारिस में जो आपके बड़े मदारिस है उनसे कहिए नहीं हमारे यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर खुलवा दीजिए, हमारे यहाँ कम से कम हम सब भी ताउन करेंगे, आप बच्चों के यूपीएससी और पीपीएससी के एग्जाम के लिए कोई अच्छा टीचर का इंतजाम करा दीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम भी ताउन करेंगे। आपने अगर इस पे काम नहीं किया ना, याद रखिएगा ये दौर तलवार की लड़ाई का नहीं है, ये दौर हम बारूद की लड़ाई का नहीं है। सुल्तान रजा इसलिए बोल रहा है ना, मैं उत्तर प्रदेश गया था, जाकर मैंने साहब बहराइच शरीफ के इलाके दौरा किया और देखने के बाद हमें यही समझ में आया, एक गोली चलाओगे शहर का शहर गुजर जाएगा, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। आज वहाँ के लोग एक एक दाने के मोहताज है साहब, बड़ी मुश्किल से हुजूर सैफे रजा अल्लामा मुस्तफा रुदौली साहब किबला से मेरी इस मामले पे लंबी बात भी कहा, एक सुन आया हजरत खाने को खुश नहीं है तो वहाँ से सामान भेजा गया। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा ये दौर तलवार की लड़ाई का नहीं है, गोले बम बंदूक की लड़ाई का नहीं है, बल्कि ये दौर तालीम की लड़ाई का है। याद रखना अगर कौम का एक बच्चा अगर दारोगा बन गया तो एक कम से कम एक थाने के लोगों की जान माल की हिफाजत कर सकता है, एक बच्चा एसपी डीएम बन गया तो एक जिले के लोगों के जान माल की हिफाजत कर सकता है, एक बच्चा कम से कम यार सिपाही ही बन गया, चौकीदार ही बन गया, बिहार पुलिस यूपी पुलिस नहीं चला गया, कम से कम जहां तैनात होगा रहेगा, कुछ नहीं तो अपने घर वालों की तो कानूनी तौर पे हिफाजत कर सकता है। कहूंगा आप अपने मशगले को बदलिए, बच्चों को हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, और आपसे मैं कहूंगा आपके घर में दो चार बच्चे हैं किसी को मास्टर बनाइए, किसी को आईपीएस अफसर बनाइए, किसी को साहब पुलिस महकमे में डालिए, मगर हमारी कौम रात भर गुरु मुसल्लम बिरयानी खाती है और रात भर मोबाइल फोन चलाने वाली ये कौम दिन के 10 बजे तक सोती है, तो 10 बजे तक जो कौम सोएगी सुबह को दौड़ने के लायक होगी क्या? बोलिए नहीं है तो अल्लामा इश्तियाक साहब किबला से पूछिए, कभी सुबह को इलाके में दौरा करके देख लीजिएगा आपके मोहल्लों का कितना बुरा हश्र है। आज हमारे यहाँ कोई नौजवान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई नौजवान दौड़ने के लिए तैयार नहीं है, और उनके मोहल्ले में चले जाइए पूरा समाज उनका दौड़ रहा है, पूरा घर बार उनका दौड़ रहा है, आप दौड़ते क्यों नहीं है, आप सड़कों पे उतरते क्यों नहीं है, आप तालीम में मेहनत क्यों नहीं करते हैं, या बिहार के पटना के हज भवन में यूपीएससी और पीपीएससी की तैयारी नहीं कराई जाती है? कराई जाती है, मगर हमारे यहाँ कितने नौजवान इसके इच्छुक हैं साहब, क्यों आप इसकी तैयारी नहीं करते, क्यों आप इसमें मेहनत नहीं करते? याद रखिएगा आज तो साहब आप किससे क्या कहिएगा, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा ये बच्चे जो हाफिज़े कुरान आलिम दीन बनकर किसी बस्ती में जाते हैं ना, इनकलाब लाते हैं, इनकलाब याद साथ लाखों बच्चों नहीं करोड़ों बच्चे हर साल मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, बीए करते हैं, मगर आज तक इन पढ़ने वाले बच्चों को कभी आपने देखा है? उसमें एक दो बच्चे होंगे जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं,
या उनसे कुछ भलाई की बातें करते होंगे, वरना सब अपने अपने मोबाइल में अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। मगर यहाँ से एक बच्चा हाफिज बनकर जब गांव जाएगा तो मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा, और जुमा के दिन जब खड़ा होगा तो अपनी टूटी फूटी जबान में कौम की इस्लाह जरूर करेगा। शराब न पीना, जुआ न खेलना, जना मत करना, सूद मत खाना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जो अपने लिए पसंद कर वो अपने भाई के लिए पसंद करो। साहब 10-20 किलोमीटर पास बच्चे मिलकर गांव के माहौल को नहीं बदल पाते, मगर ये कुरान के इल्म का फैजान है कि एक हाफिज कुरान अकेले एक बस्ती के सिस्टम को बदल देता है, एक बस्ती के माहौल को बदल देता है, इलाके के निजाम को बदल देता है। इसलिए कि ये कुरान की तालीम का असर है। ऐसे ही मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आप लोग भी सिर्फ है ना क्या कहते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैटिंग टीम बनाते हैं, नहीं तालीम का टीम बनाइए, एजुकेशन का टीम बनाइए, एक दूसरे में आप अपने इल्म का आदान प्रदान कीजिए, आप माहौल बनाइए। इन साल हम इतने बच्चे यूपीएससी में बैठेंगे, इतने बच्चे बीपीएससी के इम्तिहान में बैठेंगे, इतने बच्चे हम पुलिस के इम्तिहान में बैठेंगे। कोशिश कीजिए एक दूसरे के मशवरे से और एक दूसरे के हेल्प से अगर 10 बच्चे निकल गए तो कम से कम एक गांव की हिफाजत तो हो ही जाएगा। मगर करेंगे तब ना साहब, आल इंडिया जमात रजाए मुस्तफा ने कि ऐलान कर कायदे मिल्लत के ऐलान पर हर जगह की जमात रजाए मुस्तफा ने कोशिश की और लोग मेहनत किए। तो चूंकि सिवान के जमात रजाए मुस्तफा का मैं सदर हूं तो मैं भी इस हवाले से वहां पे पहुंचा। मालूम है वहां पे लोगों ने कहा नहीं साहब, आप किसी से मिल ले, आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, आप जाके मिल के खबर खैरियत पूछ सकते हैं। अब साहब हालात ये है कि घर का घर जल जाए उजर गया, कोई पुरसाने हाल नहीं, वहां के लोग कहे कि साहब बड़ी मेहरबानी की आप कम से कम बिहार से तशरीफ ले आए, देर से बच्चे जेल में हैं, घर में सिर्फ औरतें हैं, दो चार दस लोग, जब खाना खत्म होता है तो वहां से दो चार किलोमीटर दूर आते हैं और जमात रजाए मुस्तफा के लोग वहां पे ले जाकर के खाना और साहब राशन तकसीम करते हैं तो लेकर जाते हैं। वहां पे मुझे उस दिन पता चला कि कितने लोग वहां पे सेल्फी लेने वाले पहुंचते हैं और कितने लोग बांटने वाले पहुंचते हैं। इंशाल्लाह ये आने वाले 9 तारीख को सिवान से भी जमात रजाए मुस्तफा और तहरीके तहफ्फुज़े नामों से रिसालत के हवाले से एक गाड़ी सामान हम लोग वहां पर भेजने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ इंतजाम हुआ है, एक बोरी चावल की कीमत 1,000 रुपए हम लोगों ने वहां पर तय की है दुकानदार से। अगर आप लोगों उसमें से भी कोई शख्स बहैसियत साहबे ईमान अगर उन मजलूमों की मदद करना चाहता हो तो आधी बोरी चावल की कीमत 500 रुपए है। अगर कोई देना चाहे बहराई शरीफ के मजलूमीन मोमिनों के लिए तो आप दे सकते हैं। आपको मालूम है कि झंडा किसी बदअकीदे के घर पे नहीं लगता, झंडा सुन्नत व जमात के ही घर में लगता है। तो जब अपने घर में लगा है ना तो हम अगर आगे नहीं बढ़े तो दूसरा कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने यही ऐलान कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम है जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हजरात का भी ताउन वहां तक पहुंचे, मदद पहुंचे, क्योंकि 150 बच्चों को जमात रजाए मुस्तफा बेल भी कराएगी, उनका मुकदमा भी लड़ेगी, उनके अच्छा अच्छा हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहब किबला ने 500 और हजरत रसूल ने भी 500 रुपया ये बहराई शरीफ के मजलूमीन के लिए यानी एक बोरी चावल का इंतजाम हो गया। अच्छा मोहल्ला मंसारी, हाँ हाँ दे सकते हैं ऑनलाइन QR कोड। अच्छा सदर साहब की तरफ से एक पूरी चावल वाला के लिए माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह भाई की तरफ से एक पूरी मोहम्मद इल्ताफ भाई 500 रुपए माशाल्लाह हमारे पास है ना। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े नामे रिसालत का QR कोड भी मौजूद है, जो लोग देना चाहेंगे उनका दिया जाएगा। अच्छा माशाल्लाह
शहजाद है नहीं यहाँ पर, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए बाप से बाप, जब मैं गया ना तो मुझे यकीन नहीं था, अल्लामा मुस्तफा दुर्रानी साहब इतना खुश हुए, कहा बिहार का पहला फर्द है आप जो यहाँ पर तशरीफ ले आए, है ना, तो साहब आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी मैं दे रहा हूँ आपको बारकोड। ये बारकोड भाई, ये वैशाली के रहने वाले, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वहाँ पर 12 क्विंटल चावल खरीद कर रख दिया, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, मैं सारण कमिश्नरी नहीं बल्कि पूरे बिहार के तरफ से मैंने वादा किया हजरत, हर मोड़ पर मैं खड़ा हूँ, ये सोच करके साहब हम लोग तस्वीरें लगाने वाले नहीं बल्कि इंशाल्लाह हम लोग काम करने वाले हैं, हम लोग काम करने वाले हैं। जाहिर सी बात है ये रजा बिलफिरियत ट्रस्ट का QR कोड है जो साहब के तहफुजे नामे रिसालत का काम करती है। जाहिर सी बात है हम उनकी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखें साहब जो लोग जमीन पर मजलूमों की मदद करते हैं अल्लाह ताला मैदाने महशर में उनकी राह को आसान कर देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जाहिर सी बात है आप हजरात का ताउन होना चाहिए, और यकीनन मैं हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब कबला को QR कोड भेज दूंगा इंशाल्लाह, है ना, काम कर रहा है QR कोड। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े नेक लोग यहाँ पर बैठे हैं, यकीनन मैंने इसलिए इंतजाम किया, मेरे आँख में उस वक्त आंसू आ गए। हुजूर लोग कहते हैं ना कि आज बरेली शरीफ कोई काम नहीं करता, वो जो आए थे ना दिल्ली वाले, है ना, दावत वाले सब घूमकर सेल्फी लेकर चले गए, पता चला वहां पे जितनी तंजीमें काम कर रही है सब जमात रज़ाए मुस्तफा की काम कर रही है ना। अल्लाह भाई जान ने 1000 रुपया, है ना, एक बोरी चावल के लिए दिया, अल्लाह सलामत रखे। मुझे उस वक्त आंसू आ गए जब अल्लामा मुस्तफा उर्दौवी साहब ने दिखाया है एक मकान में, एक कमरे में पूरा चावल भरा हुआ है, चूंकि वहाँ बांट नहीं सकते तो हजरत ने कहा टेंशन ना ले आप लोग, जब घटे माँ किराया सिर्फ आदमी भेज दे, यहाँ से सामान जाता रहे। जब मैं गया तो मीटिंग हुई, बात हुई, हजरत ने सारी हालात बताए और कहा मौलाना याद रखें, कभी सोचे नहीं ये अब्दुल मुस्तफा है जो एक महीना यहाँ जेल 75 मदरसे के बच्चों के साथ मुफ्त के आया, एक महीना तो जिंदगी की राह में मुश्किलें आती हैं, मगर मेरे कहने का मकसद ये है सबसे बड़ी लड़ाई हमारी तालीम की लड़ाई, तालीम की लड़ाई। याद रखिए जहां मदारिस खत्म हो गए ना वहां दीन खत्म हो गया, वहां मुसलमान खत्म हो गए, इन मदारिस को जिंदा रखिए, अगर ये मदारिस नहीं होंगे तो माँ की अजमत कौन बताएगा, बाप का प्यार कौन बताएगा। यार हम किताबें कहीं पढ़ लेंगे, किसी के पास जाकर पढ़ लेंगे, मैथ कोई पढ़ा देगा, इंग्लिश कोई पढ़ा देगा, साइंस कोई पढ़ा देगा, ज्योग्राफी कोई पढ़ा देगा, मगर कुरान तो साहबे ईमान पढ़ाएगा, हदीस तो आलिमे दीन पढ़ाएगा, हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है ये तो आलिमे दीन पढ़ाएगा। मैं कहता हूँ साहब नर्सरी LKG UKG आप इन छोटे छोटे बच्चों को आप स्कूल में नहीं मदरसे में भेज कर पढ़ाएं, इन्हीं मदरसों में तो आप हर जगह पे साहब इतना मजबूत करेंगे, इतना मजबूत। आज बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, आप हजरात के हर तरह से ताउन का, वो भी रात की इस तन्हाई में। मैं भी जब गया था ना तो मैंने जब ऐलान किया तो मेरे एक दोस्त ने कहा मुफ्ती साहब आप भी अजूबा अजूबा काम करते हैं। मैंने कहा सुनिए अगर हम लोग यही सोचते रहे ना कि फला मर रहा है कौन जाएगा, अगर हम सब लोग पहुंचने लगे ना तो इंशाल्लाह मुसलमान भी ये समझेंगे कि चलो हमारा कोई भाई है जो मददगार है, हम जाएंगे। अभी हमारे यहाँ जहाँ मेरी ऑफिस है वहाँ पर नीचे पे बहराइच के लोग कंबल तकिया बेचते हैं, तो जब मैं प्रोग्राम में निकलता हूँ मुलाकात में मैंने 10 लोगों को बैठाया, मैंने कहा कब तक ये चादर बेचते रहिए, कब कब तक ये घूम घूम कर बेचते रहिएगा, आप अपनी नस्लों को बदलिए, औलादों को पढ़ाइए। कैसे पढ़ाए, मैंने कहा सरकारी स्कूल में, वहाँ के आलिम साहब के पास इसको उर्दू अरबी पढ़ाए, सरकारी स्कूल में मैट्रिक कराइए, इंटर कराइए, और उसे कहिए तुमको कुछ नहीं आता, खूब दौड़ो, इतना दौड़ो
कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी जब भर्ती निकले तो दौड़ने में तू सबसे आगे निकल गए, दौड़ पीछे क्यों रहता है, आखिर पीछे क्यों रहता है? ये मोहनेश्वर मिश्राही साहब है ना, मिडिल स्कूल के टीचर बने, हाई स्कूल के टीचर बने, 10 प्लस 2 में टीचर बने, पढ़कर आए तो दाऊद उलूम नहीं किया के प्रिंसिपल बन, आज नाजिम आला है, सारण कमिश्नरी में रहनुमाई करते हैं, लोग कहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले क्या बने, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ने वाले आईपीएस अफसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, आप बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी में भी जाइएगा ना तो वहां भी कोई दाढ़ी टूपी वाला प्रोफेसर आपको मिल ही जाएगा, और है भी तो साहब ये उलमा काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा ये हमारी कौम की बेटियां जो मुर्तद हो रही हैं, आवारा हो रही हैं, ये बच्चे जो कान में बाली पहन रहे हैं, इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि आप पहले 3 साल ये नर्सरी एलकेजी केजी अपने मदरसे में कायम करके पढ़ाइए, मदरसे में कायम करके पढ़ाइए, बचपन में ही उन्हें इतना दीन सिखा दीजिए कि जब स्कूल में जाए ना तो न हिजाब सरकने पाए न कान में बाली चढ़ने पाए, यानी लड़के औरत न बने और लड़कियां वहां मर्द बनने को तैयार नहीं। मैं अपनी कौम की बेटियों से आखिरी बात कहूंगा है ना, क्योंकि मेरा वादा था और अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट वादे में बाकी है, याद रखना साहब इस्लाम में हिजाब, ये बच्चे इन बच्चों के सीने में क्या है, कुरान, जरा बोलते जोर से क्या है, कुरान इन बच्चों के सीने में कुरान है, कुरान पे गिलाफ चढ़ा रहता है, कुरान पाकीज़ा किताब है इसलिए कुरान पे गिलाफ है, मेरी कौम की बेटियों तुम भी पाकीज़ा हो इसलिए अल्लाह ने तेरी जिस्म से भी गिलाफ चढ़ा दिया, अल हया शोबतुन मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, साहब एक बाप ने समझाया बेटी सारी दुनिया की डिग्रियां एक तरफ और ये हया वाली चादर एक तरफ, आज हम मजारों पे चादरें चढ़ाना सीख गए मगर बेटियों के सर पे दुपट्टा कैसा होना चाहिए सीख पाए क्या? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक औरत आई और सर पे पत्ता दुपट्टा था जिससे बाल नजर आ रहे थे तो दुपट्टे को लेकर के फाड़ दिया और मोटा दुपट्टा डाल के कहा इस्लाम का दुपट्टा ये है, इस्लाम का दुपट्टा ये है, अब सुनो मेरी कौम की बेटियों ये आधा बाल खोल के दुपट्टा ओढ़ना ये कौन सा दीदी नहीं, बाल का पर्दा चेहरा ये सच्चे औरत में दाखिल नहीं, इसका ख्याल रखना, मजारों पे जाती हो, मैं इन मौजूदात का गुफ्तगू करना नहीं चाहता, जो बताना चाहता हूँ सुनो, साहब एक लड़की कॉलेज गई तो उसकी सहेलियों ने कहा बड़ी रोल मॉडल लड़की हो यार, इतना कीमती लिबास पहनकर हिजाब पहनकर आ गई, कहा मेरे बाप ने तालीम दी है, तो उन लड़कियों ने बहुत दामत मलामत की बेटी रोती हुई आई और आकर के बाप से उसने आप बीती कही अब्बा हुजूर या तो स्कूल छोड़ा दीजिए या हिजाब उतार दीजिए, बूढ़े बाप ने कहा बेटी बैठो हिजाब उतारने का नुकसान जानती हो, बैठो बैठो मेरी बेटी हो, पेशानी को बोसा दिया, बगल में बैठाया, पानी मंगाया पिलाया, जेब से एक टॉफी निकाली, बोला बेटी मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं आ रहा तुमको दलील दूं, जेब से एक टॉफी निकाली और निकाल कर उस टॉफी के ऊपर कवर को निकाला और तस्तरी में प्लेट में रख दिया, थोड़ी देर बाद मक्खियां आ गईं, चींटियां आ गईं है ना, चारों तरफ से कीड़े मकोड़े आके मिठाई पे बैठ गए, बाप ने कहा बेटी देख लिया ये जब जब मिठाई पर्दे में थी तब तक चींटी इस पे नहीं थी, मक्खियां इस पे नहीं थी, इस पे कीड़े मकोड़े नहीं थे, मगर जब इस पर से प्लास्टिक का गिलास उतर गया तो चींटियां इस पर है, मक्खियां इस पर है, जब तक तुम पर्दों में पर्दे में रहेगी किसी कैद की गंदी नजर तेरे ऊपर नहीं पड़ेगी, लेकिन जिस दिन तेरे सर से दुपट्टा उतर गया आंखों से हया की चाचा हया वाली अजमत जाती रही तेरे जिस्म से चाचा तक ही उतर गई, याद रखना कीड़े मकोड़े तेरे इर्द गिर्द घूमेंगे आवारा फिर ये तेरा पीछा करेंगे, बेटी न तू घर में महफूज रहेगी न बाहर महफूज रहेगी, इसलिए बेटी याद रखना जवाब ये नहीं है जाकर अपनी सहेलियों से कहना कि जींस फाड़ कर अपना हुस्न गैरों को दिखाना ये न्यू फैशन तुम्हें मुबारक हो, और फटे हुए दुपट्टे में 72 पेबंद लगाकर अपने जुल्फों की हिफाजत करना, सैयदा खातून ने जन्नत की सुन्नत हमें दे,
आखिरी पैगाम इन हाफिज़े कुरान से खूब प्यार कीजिए। कल परोसे महशर रुख होगा, हाफिज़े कुरान कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। हाफिज़े कुरान ठहर जाएगा, कहेगा मौला मैं चला जाऊं, जिन लोगों ने मुझे मेरी तालीम में हिस्सा लिया वो जन्नत में कब जाएंगे, जिन लोगों ने हमें पढ़ने के लिए मदरसे बनाए वो जन्नत में कब जाएंगे, जिन सदर सिगरेटी जुमला अराकीन ने हमारे लिए इंतजाम किया वो जन्नत में कब जाएंगे। रब फरमाएगा तू भी जन्नत में जा और उनको भी लेकर के चला। आलिमे दीन को रोक दिया जाएगा, कहेंगे मौला जब जन्नत का फैसला हो गया तो जाने दे, काना तेरे चाहने वाले पीछे हैं, तू यहीं खड़ा रह ताकि तेरी वजह से तेरे चाहने वाले भी जन्नत में चले जाए। से कहेंगे हुजूर याद कीजिए मैं आपके उजू के लिए पानी दिया था, मैं आपकी तालीम के लिए किताबें खरीदी, हुजूर मैंने आपके लिए टोपी और अमामा खरीद दिया था। साहब आलिम दीन पहचानेगा और उस शफाअत से वो लोग जन्नत में फिरदौस में चले जाएंगे। इसलिए आलिमों से हुफाज से प्यार कीजिए और हर मोहल्ले में हर बस्ती में एजुकेशन पॉइंट कायम कीजिए। कम से कम जिला लेवल पर एक ऐसा एजुकेशन पॉइंट हमारा होना चाहिए जहां हमारे स्कूल कॉलेज के भी बच्चे जो गुरबत की वजह से तालीम छोड़ रहे हैं वो तालीम न छोड़े, आला तालीम हासिल करके ऊंचे ओहदे पर फाइज हो ताकि वो मुल्क की भी हिफाजत करें और अपनी कौम की भी हिफाजत करें। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत दादा उलूम को खूब खूब तरक्की और उरूज अता फरमाए और इन हुफाज़े किराम का सदका हमें दुनिया में भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। उतुल इल्म दर्जात जो पढ़ेगा खुदा उसके दिल में को पढ़ा देगा। तो अगर आप समाज में इज्जत चाहते हैं तो तालीम हासिल कीजिए। हल यस्तवी लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल बराबर है? नहीं, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। मालिक को मौला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा लिखकर पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली